विदिशा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं राघोगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह आज विदिशा आए, जहां जालोरी गार्डन में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। चलो मधुर भाई, यार पहले से ये लोग बात रखना चाह रहे हैं, बात रख ले उस व्यक्ति को मौका मिलने जो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चल पाए उसको मौका मिले, ये मूल भावना है। आप युवा हैं, हमें बहुत उम्मीद है आपसे, सुषमा जी का क्षेत्र है, आप अच्छा साथ निर्णय लेंगे। शहर और नामीन के आदर में हम सबको संगठन मजबूत करना है, तो सबसे पहले हम सबको संगठन में भी और हम सब में भी अनुशासन लाना पड़ेगा। और आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए बोलूंगा, और इन 10 मिनट के लिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप मेरी बात शांति से सुने, क्योंकि मेरे अनुसार अगले 6 महीने सिर्फ विदिशा के लिए नहीं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए हमारे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण 6 महीने आने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज मैं यहां पर एक पर्यवेक्षक के रूप में आया हूं, और सबसे पहले मैं आप सबको ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जो भी प्रत्याशी विदिशा से रहेगा उसका नाम जयवर्धन से नहीं देने वाला। मैं सिर्फ एक पर्यवेक्षक हूं, एक ऑब्जर्वर हूं। जो भी निर्णय पूरे मध्य प्रदेश के हर एक सीट पे होना है, चाहे वो रावगढ़ हो या विदिशा हो, इन सब सीटों पर प्रत्याशी का निर्णय हमारे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी करेंगे, हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष सिंधिया जी करेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बैठे करेंगे, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जी, हमारे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, ये सब दिग्गज नेता हैं, उनके साथ में हमारे प्रदेश के महामंत्री दीपक बावरिया जी हैं, और इन सब के ऊपर हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। और आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ एक पर्यवेक्षक के रूप में आया हूँ, ताकि मैं हाई कमांड को ये बात अर्ज कर सकूं कि वर्तमान में हमारे विदिशा सीट पे क्या स्थिति है, हमारे कार्यकर्ताओं की चुनाव के प्रति क्या भावनाएं हैं, और उसके साथ में
थोड़ी बहुत जो मैंने जो देखा है और जो मेरे अनुसार जो कोई दो तीन विशेष मुद्दे हैं ताकि वो मैं आप सबके बीच रख सकूं। और मेरे जैसे यहाँ पे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, हमारी पूरी जवानी चली गई लेकिन सरदार तो उसी नहीं देख पाए मध्य प्रदेश में। इस बार हर युवा की मांग है कि इस बार पूरे प्रदेश में परिवर्तन आए।